want some capacity building, basic skills that could be used to hone the reports already. कश्मीर प्रेस क्लब का क़याम चंद साल पहले ही अमल में आया. यहाँ पर एक थ्राइविंग मीडिया इंडस्ट्री थी. न्यूज़पेपर्स बहुत सारे हैं. इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कोई 375 से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पे आप न्यूज़ पोर्टल्स का भी ज़माना है. तो इसका मतलब है ये एक मीडिया प्रैक्टिस जो है ये एक अहम फिनोमेना है. लेकिन इसमें कश्मीर प्रेस क्लब में हमने ये सोचा कि यहाँ पर जो फेलो जर्नलिस्ट हैं उनको न्यूज़ एथिक्स और जो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग होती है और जो ख़ास तौर जिस चीज़ से उनका सामना होता है यानी उनको जो खबर लिखनी होती है वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हर एक प्रोफेशन में उसके कवायद, उसके जवाबित, उसके उसूल जो हैं वो वजह किए होते हैं. ये लोग यंग पर्सन्स हैं और कई साल पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ चुके हैं. एक रेफ्रेशर था और उसमें हमने इनको ये बताया कि एक न्यूज़ कॉपी, एक बेहतर न्यूज़ कॉपी क्या होती है और उसमें मुद्दा मकसद ये होता है कि जो कारी होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसको खबर समझ आए. क्योंकि नए लड़के भी हैं, नए लोग भी हैं, ये इस चक्कर में ऐसे खबर लिखते हैं जैसे ये कोई नावल लिखते हों. तो उसमें हमने इनको बताया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया. बहुत तवील अरसे तक वहाँ पे बैठे रहे और हमने तजुर्बात और मिसालों की रोशनी में उन्हें बताया कि एक बेहतरीन और मयारी खबर लिखी कैसे जाती है. जिसमें कॉन्फ्लिक्ट में आप रहते हों या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहते हों, किसी भी प्रोफेशन के साथ जब आप वाबस्ता हों तो आप देखते हैं कि शायर शायरी करता है तो पूरी दुनिया में मुशायरे आए रोज होते हैं. आप देखते हैं कि एक पेंटर पेंटिंग करता है तो पूरी दुनिया में पेंटिंग एग्जीबिशन होती है. तो इसी तरह से यहाँ पे हम इस कल्चर को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं. चाहते हैं कि यहाँ पे जो काम करें और पूरी दयानतदारी, ऑब्जेक्टिविटी और बैलेंस के साथ काम करें उनको जो है हम सिखाएं. और हम सिखाएंगे क्या, मतलब हम अपने तजुर्बात शेयर करें. चंद साल ज़्यादा उनसे काम किया है. अपने तजुर्बात की रोशनी में हमको ये बताते हैं कि जिस तरह की सूरत हाल यहाँ आए दिन पेश आती है कश्मीर में, उस वक्त वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ताकि उनकी जो खबर है वो एक मयारी हो, सच्ची हो. क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना है. इसमें ख़बर को कैसे हासिल करना है, उसको कैसे गैदर करना है, फिर उसको कैसे शाया या नशर करना है, ये सारी चीज़ें हैं. ये सिर्फ एक वर्कशॉप में नहीं होंगी. दुरुस्त बताया आपने कि इसके लिए एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स हमें करना चाहिए.